जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बिहार में बाढ़ के बारे में। बिहार की जनता कितनी महान है इसका अंदाज़ा बिहार में आने वाले हर साल बाढ़ से लगा सकते हैं। बिहार में यह पर्व की तरह हो गया है, त्यौहार की तरह हो गया है। बिहार में आने वाले हर साल बाढ़ से लाखों जिंदगियां तबाह हो जाती है, कितनों की जानें चली जाती है, लेकिन बाढ़ हर साल आती है जैसे इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं है। बिहार में बाढ़ तो बाढ़ है, पानी न निकलने के कारण किसानों द्वारा की गई खेती बर्बाद हो जाती है। ये जो सीन आप देख रहे हैं ये इसका जीता जागता सबूत है। ये कोई बाढ़ का पानी नहीं है, यह बारिश का पानी है जो रास्ता न होने के कारण कितनों एकड़ों की बर्बाद हो गई है। जनता किसको बोले, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा, मुझे आज तक समझ नहीं आया। राज्य का हर नियम कानून सरकार बनाती है और प्रशासन उसका पालन करवाती है, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा, इसका जिम्मेदार कौन है। मैं एक किसान हूँ जिसको अन्नदाता भी कहते हैं, मेरे जैसे कितने किसानों की फसल सिर्फ बारिश के पानी से फसल डूबकर बर्बाद हो गया। मैं एक किसान हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं किसको बोलने जाऊँगा, मेरा कौन सुनेगा। अगर ये किसी की जिम्मेवारी होती तो किसानों का फसल डूबकर बर्बाद नहीं होता। ये जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग साइफन कहते हैं, इसी के रास्ते पानी निकलती है, लेकिन यहाँ तक पानी पहुँचे तब ना निकालेगा। लेकिन पानी हमारे खेतों में ही ब्लॉक होकर रह जाती है।